तो हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। चांदनी चौक में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, दिल्ली में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान में बनेगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी, और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठका ठक अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठका ठक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठका ठक फटाफट ठका ठक बोल रहे हैं। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ भी कहलाना हो। पहले भैया नफरत फैलाते थे देश में, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना बेचते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। तो अब जो भी कहलवाना है मैं कहलवा दूंगा। बस एक, अब देखो कितना गहरा रिश्ता है इनका अदानी अंबानी के साथ। प्रेशर में आके उनका भी नाम ले लिया स्टेज पे, बड़े फोन कॉल आए होंगे उनको, नरेंद्र भाई आपने क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप, अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। और महालक्ष्मी योजना से इनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि हमने कहा है कि अगर आप 22 अरबपति बना सकते हो तो हम करोड़ों लाखपति बना के ही छोड़ेंगे। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मजदूरों को मनरेगा के लिए 400 रुपए, आज 250 मिलता है। अच्छा बताओ गैस सिलेंडर कितने का है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, 400 रुपए का गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, आज 1100 है। जरा सिलेंडर की बात करवाइए, डिबेट में यह भी पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। 2 करोड़ युवाओं को आपने बेरोजगार बनाया है, आपने कहा था 2 करोड़ को मैं रोजगार दूंगा, उल्टा कर दिया आपने। अब बेरोजगार युवाओं के लिए हम पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं। पहली नौकरी पक्की योजना सिंपल सी है, हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा होल्डर्स जो इस भीड़ में बहुत हैं और चांदनी चौक में है, दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में है। भारत छोड़ो यात्रा में मैं युवाओं से मिलता था, पूछता था क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते। पता कैसे बचे, मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों नाले में पाइप डालो, आप सोचो नाले में पाइप डालो, नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब आप देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को यह बोल रहा है, और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह मजा आ गया, क्या बात बोली, चमत्कार। देखो
और जो इनके सामने खड़ा होता है, आप देखो जो इनके सामने खड़ा होता है, जो खड़ा होता है इनके सामने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मेरी ईडी से इंटरोगेशन करी 55 घंटे मेरी इंटरोगेशन की, मैं आपको बता रहा हूं ईडी वाले थक गए, मेरा घर छीन लिया, घर जब छीना मैंने इनको चाबी दी, मैंने कहा भैया घर नीचे है तुम्हारा, मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है मेरे, लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है, मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, और वही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर चांदनी चौक में और दिल्ली में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 7 में से 60 सीट लेने जा रहे हैं। केजरीवाल जी को भी जेल में डाला, सोरेन जी को जेल में डाला, और लिस्ट बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में से सीबीआई ईडी दबाकर एक के बाद एक नेताओं को ले जा रहे हैं दिल्ली से भी अभी एक को उठा के ले गए, है ना। मैं कहता हूं अच्छा है, जितने ले जाए उतना अच्छा है, हमें नहीं चाहिए ये नेता, डरपोक नहीं चाहिए हमें, हमें बाबा शेर चाहिए, हमारी ये लड़ाई है संविधान की, हमें बाबा शेर चाहिए, ये टाइगर बैठे हुए सारे के सारे, लगा दो ईडी इन पे, लगा दो सीबीआई, लगा दो इनकम टैक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइगर है टाइगर। हाथ के निशान में भाई और बहनों, हाथ के निशान में झाड़ू है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, और ये जो नरेंद्र मोदी ने राजनीति जो शुरू किया ना, ये नफरत की, इसकी कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को, इसको दिल्ली की कोई जरूरत नहीं, दिल्ली पूरे देश को रास्ता दिखाता था, ये भाईचारे का कैपिटल है, हिंदुस्तान का कैपिटल है, मगर ये भाईचारे का कैपिटल है, और ये जब एक साथ मोहब्बत से काम करता है तो ये तेजी से आगे बढ़ता है ना। और देखिए आखिरी बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे छोटे व्यापारी हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये छोटा काम करते हैं, इनको नरेंद्र मोदी रोज कुचलते हैं, जीएसटी, नोटबंदी, पुलिस वाले तंग करते हैं, इनको जमीन नहीं देते, इनको जगह नहीं देते, तो 2-3 चीजें हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले अग्निवीर योजना को उठा के कूड़ेदान में, दूसरा काम जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होगा, एक टैक्स होगा, ये जो एक्सटॉर्शन चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, कम से कम टैक्स होगा, और जो इन्होंने अरबपतियों के लिए किया वही, जो बैंक का सपोर्ट, बैंक लोन्स, ये जो अरबपति को लेते हैं, वैसे ही हम बैंक लोन्स चांदनी चौक के छोटे व्यापारियों को, स्मॉल बिजनेस को, मीडियम साइज बिजनेसेस को देंगे, क्यों, क्योंकि आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, वो दे नहीं सकते अरबपति, आपको अगर फाइनेंस दे दिया, टेक्नोलॉजी आपको दे दी, आप चाइना का मुकाबला कर दोगे, मेड इन चाइना छोड़ो, मेड इन चांदनी चौक लपेट लगा उनको। तो ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए जो मोहब्बत का हिंदुस्तान है, नफरत का हिंदुस्तान नहीं है, एक साथ खड़ा होके मेड इन चाइना का मुकाबला करना है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है, यही इसी चीज के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है, मेड इन इंडिया, मेड इन चांदनी चौक, मेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो फिर से दोहराना चाहता हूं, 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान, 4 सीटों में आम आदमी पार्टी झाड़ू। आम आदमी पार्टी के भी एमएलए बैठे हैं, नमस्कार, आइए सब, आ जाइए सब, एमएलए आ जाइए, अभी आ जाइए सब, आ जाइए, ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक बात, मैं रोजगार की बात कर रहा था, एक जरूरी बात मैंने खत्म ही नहीं की, हाँ पेपर लीक, मगर एक जरूरी बात मैंने खत्म नहीं की, मैंने कहा कि युवाओं की लिस्ट बनेगी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा होल्डर्स लिस्ट बनेगी, और हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देंगे, 1 साल की नौकरी होगी, ट्रेनिंग होगी, साल का 1 लाख रुपया अनएम्प्लॉयड युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, महीने का 8,500 रुपए, ठगा ठग अंदर। और आखिरी बात, जब यूपीए की सरकार थी हम भोजन का अधिकार लाए थे, ये हमारा स्कीम है, नरेंद्र मोदी जी हमारी स्कीम को चलाते हैं, ये 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देने जा रहे हैं,
आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप रात के समय आए, इतने